गाजा में हमास के हमलों के आगे इजरायली फौज का मनोबल गिरता जा रहा है। इसके अलावा लंबा खींच रहे इस युद्ध से आईडीएफ के जवान भी थक चुके हैं। आईडीएफ चाहती है कि उसके पुराने सैनिकों को आराम दिया जाए और उनकी जगह पर नए सैनिकों की भर्ती हो, लेकिन इन दोनों में से फिलहाल कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 8 महीनों से चले आ रहे इस युद्ध में इसराइल का भारी गोला बारूद खर्च हो चुका है और कई देशों से उसे हथियारों की सप्लाई भी धीमी पड़ गई है। लेकिन पीएम नेतन्याहू अब हिजबुल्ला के साथ जंग करने की जिद पर अड़े हुए हैं, जो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है। यहां तक कि इजरायली सेना के बड़े अफसरों को इस बात का एहसास है कि हिजबुल्ला के साथ युद्ध करना इजरायल को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस युद्ध में ईरान सीधे कूद पड़ेगा और ऐसे में दो फ्रंट पर आईडीएफ का टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच अब एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है, वो ये कि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट में इजरायली जनरलों के हवाले से एक खबर छापी है, जिसमें कहा गया है कि आईडीएफ के पास युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं बचा है। लिहाजा हालातों को देखते हुए अब गाजा में युद्ध विराम की घोषणा की जाए, ताकि लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ को संभलने का मौका मिल पाए। इन जनरलों का मानना है कि गाजा में अगर हमास सत्ता में बना भी रहे तो भी उसमें आईडीएफ को कोई हर्ज नहीं है। आईडीएफ के इन जनरलों का मानना है कि गाजा में युद्ध विराम इजरायली बंधकों की रिहाई का सबसे आसान तरीका है, जो करीब 120 के आसपास बचे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि कितने बंधक अभी जीवित हैं और कितनों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि एक इंटरव्यू में आईडीएफ के मौजूदा 6 और पूर्व सुरक्षा अधिकारियों ने ये बात कही है। इन जनरलों का कहना है कि अगर हिजबुल्ला के साथ युद्ध होता है तो उसके लिए भी आईडीएफ को खुद को तैयार करने के लिए वक्त चाहिए। ऐसे में गाजा में युद्ध विराम होना बेहद ही जरूरी है और गाजा में युद्ध विराम करके इसराइल हिजबुल्ला के साथ आसानी से कोई समझौता कर सकता है। लेकिन आईडीएफ के इन जनरलों के इस बयान से नेतन्याहू और सेना के बीच दो फाड़ के हालात बन रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू हिजबुल्ला के साथ जंग चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहती है। इससे एक बात साफ होती है कि नेतन्याहू आईडीएफ की या तो सुन नहीं रहे हैं या फिर अपनी जिद पर अड़े हैं। और इसको लेकर इसराइल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इयाल हुलाटा का कहना है, सेना बंधकों की डील और युद्ध विराम के पूर्ण समर्थन में है। उनको लगता है कि वो भविष्य में कभी भी गाजा में जाकर हमास के साथ भिड़ सकते हैं। वो ये जानते हैं कि गाजा में युद्ध विराम लेबनान से तनाव को कम कर सकता है और उनके पास हथियार भी कम है, उनके पुर्जे भी कम है, ऊर्जा भी कम है और ऐसा उन्होंने पहले भी किया है। इसलिए उन्हें लगता है कि गाजा में एक युद्ध विराम हमें हिजबुल्ला से पूर्ण जंग लड़ने के लिए तैयार होने के लिए समय देगा। हालांकि इन दावों के बीच ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है कि आईडीएफ के नेतृत्व ने अपनी राय नेतन्याहू को किस तरह से व्यक्तिगत रूप से बताई है, लेकिन इजरायलियों के बीच इसको लेकर संतोष है। यहां तक कि नेतन्याहू को लेकर भी जनता तेल अवीव की सड़कों पर उतरी हुई है। इजरायल में जगह जगह बंधकों की रिहाई के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर छापी, उसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपनी उसी बात को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल युद्ध तभी खत्म करेगा जब तक कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेते। इसमें हमास का सफाया और सभी बंधकों की रिहाई शामिल है और नेतन्याहू के इस स्टैंड को देखकर फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि गाजा में इतनी आसानी से युद्ध रुक जाएगा।